राज, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारी बोर बीवी से तुम्हें छुटकारा मिल गया। उठ, उठ। क्या मेरी गोद को कुर्सी समझ रखा है जो बार बार आकर मेरी गोद में चढ़ जाती है, हा? या कबूतर खाने का चबूतरा समझ रखा है इसको? और हाथ पांव से इतनी तगड़ी है कि किसी कमजोर आदमी की गोद के अंदर बैठ जाओ ना तो वहीं के वहीं अपाहिज हो जाए वो बेचारा। और तुम क्या मेरी बीवी को बोर बोलती हो? तू बहुत बड़ी टाइम पास है, हा? अरे वो तो अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के चक्कर में, अपने आप को आगे ले जाने के चक्कर में मैं तुम्हारे चक्कर में आ गया। अरे मैंने कभी अपने सगे बाप को प्यार नहीं किया तो तुमको क्या प्यार करूंगा मैं? हाँ, और एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरी बीवी इतनी बड़ी बोर नहीं है जितनी बड़ी तू चोर है। ओह माय गॉड, राज, राज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटे? तुम्हारी हरकतों से तंग आकर सोनम तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है, लेकिन तुम तो उसे प्यार करते हो, तुम मुझे अपना गुरु समझते हो, तुमने ऐसा क्यों किया बेटे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बड़ाऊ, और तुम मुझे को कोस रहे हो? बड़ाऊ? हाँ बड़ाऊ। बेटी को पाला कोसा बंगले के अंदर, और उसके बाद शादी के बाद सड़ने के लिए छोड़ दिया साला चाल के अंदर। हाँ, अरे वो तो कम अकल थी, लेकिन तुमको तो अकल थी, तुम रोक सकते थे उसको, लेकिन नहीं, मैंने तुमको अपना गुरु माना। और तुमने क्या किया मेरे साथ? गुरुद्वारे के बाहर हाथ में कटोरा देकर भिखारी बनाकर खड़ा कर दिया मुझे, और बोले बेटा मांग भीख। बड़े दामाद को देवी चलाने के लिए कंपनी, और मुझे क्या दिया? सोशल सर्विस सेंटर, कहाँ गरीबों की दुआ लगेगी? मेरी बद्दुआ का डर नहीं लगा तुझे बुड्ढे? बड़ी बेटी की शादी के बाद रिटायर नहीं हुआ, लेकिन मेरी शादी करते रिटायर होकर भिंडी और आलू उगाने के लिए चला गया गांव के अंदर। और याद है किस तरह से पीठ पर हाथ मारकर मुझसे कहा, हाँ, कि बेटे आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। मेरी बेटी खाली हाथ घर से जा रही है, अरे यार जब बच्ची के हाथ में कुछ दोगे नहीं तो खाली हाथ ही जाएगी घर से, इतना भी नहीं कि महीने दो महीने का खर्चा दे देते, लेकिन ना, कहा कि मेरी सारी चिंता दूर होगी। अरे अपनी चिंता जब दूसरों को दे दोगे तो खुद की चिंता तो दूर हो जाएगी ना, दो दो बेटी पैदा कर सकते हो, दो घर दबा नहीं पाल सकते। अरे बाप रे, अंकल जी, अंकल जी, ओ नहीं नहीं अंकल जी, अंकल जी मैं नहीं नहीं मैं अंकल, मैं आपको क्यों मारूं अंकल, आप मेरे बड़े अंकल, अंकल जी हो जाता है बच्चों से, अंकल 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 आई एम सॉरी, अंकल आई एम वेरी सॉरी, आई एम साहब। ये क्या किया मैन? तुमको ना क्यों मेरे घर के मामले में बोलने वाली? हाँ हाँ, चलती फिरती बुलडोजर, डायनासोर की सड़ी हुई अंडी, शट अप, शट अप। I'm sorry, Tisa baby, I'm so sorry. Dinosaur, Anna, तुम लोग अपना काम करो। क्या हो गया मुझे? ये मैं क्या? ये वकील, क्रिकेट खेलने का मूड में क्या? दो बॉल में दो विकेट, इरादा क्या है तेरा? क्या हो गया मुझे? ये क्या हो गया मुझे? क्या हो गया मुझे? मैं इतना सच क्यों बोल रहा हूँ? गुड मॉर्निंग सर, आज आप नहीं बोलोगे मैं कैसी लग रही हूँ? श्रीदेवी या माधुरी? सो बताओ ना प्लीज सर। शैतान की खाला लग रही हो, ऐसा बम लग रही हो जो कभी भी फट सकता है। तुम बुरखा पहनकर क्यों नहीं निकलती हो? तुमको मालूम है बच्चे लोग देखकर कितना डर जाते होंगे? नो आई एम नॉट मीन, तुम बैठी हो तो ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस पानी में बैठ गई हो। सर 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 सर, मैं कैसा लग रहा हूँ? लग रहा हूँ ना बिल्कुल धर्मजी जैसा? धर्मजी की इतनी बेइज्जती, तू धर्मेंद्र नहीं तू बंदर लग रहा है, चलते फिरते कुरमुरे की गोनी, दिन भर डुक्कर की तरह खाता रहता है, एक दिन फुग्गे की तरह फट जाएगा, सड़क पर तेरी लाश पड़ी होगी, उठाने के लिए कुली बुलाने पड़ेंगे, और कभी कभी नहा भी लिया कर भैंसते, तेरे कपड़े इतने बांस मारते, पूरा स्टाफ परेशान रहता है तुझसे, हॉस्पिटल में क्लोरोफॉर्म की जगह अगर तेरे कपड़े सुंगा दिए जाए ना तो पेशेंट कोमा में चला जाएगा। अबे पेट मत खींच, पेट खींचने के बावजूद तेरा पेट बाहर रहता है, मुर्दे के बाल काट देने से उसका वजन हल्का नहीं हो जाता। अबे मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे कंट्रोल में। अबे तू कंट्रोल में आ जा वरना तुझे काट के फेंक दूंगा मैं। डार्लिंग सोना लव माय बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम चली जाओ इससे, आज के दिन मुझसे कोई नहीं मिलेगा, प्लीज प्लीज तुम चली जाओ इससे। मैं तुमसे बात बात करने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ इतना पूछने आई हूँ कि तुमने डैडी से ऐसा क्या कह दिया कि उनका बीपी लो हो गया, उनके लिए डॉक्टर बुलाना पड़ा? ओहो तो बुड्ढा बच गया। हाँ? मैंने तो सोचा था कि अब तक निकल लिया होगा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने तो उनसे भी साफ साफ कह दिया कि मैंने उनके नाम और दौलत के चक्कर में तुमसे शादी की थी।
हाँ, तुम्हारे पीछे मैं लड्डू बनकर इसलिए पड़ा हुआ था, तुम्हारी गाड़ी के सामने भी मैं झूठ मूठ कूदा था, मगर तुम इतनी बेवकूफ लड़की हो कि इतना छोटा सा झूठ नहीं पकड़ पाई। तरबूज में कान नाक मुंह फिट किए हुए तुम्हारे बाप की शक्ल की इंसान की मैं पूजा करता रहा, ये सोच करके वो मेरी जिंदगी की छतरी बनेंगे, मगर तुमने मेरे सर से छपराई गुल कर दिया। सम्मान और खुदारी के चक्कर में तुमने मुझे वदारी बनाकर छोड़ दिया। सोना मुझे माफ कर दो, सोना सोना मैं क्या करूं, मेरे मुंह से सच निकल रहा है। तुमने बोल लिया ना, मैं अपना जवाब कोर्ट में दूंगी। डॉक्टर आपका मेल है। मेल है बाहर भेज दो, फीमेल अंदर भेज दो। डॉक्टर सोनिया का मेल है। अच्छा पढ़ो क्या है। डॉक्टर जब तक आप ये मैसेज पढ़ेंगे मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। सोनिया सॉरी डॉक्टर, आपके अपॉइंटमेंट्स। अब इट सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो दीदी। अरे बट हेलो मनोज वेस्ट क्लिनिक, यारे बोल रहा हूँ, डॉक्टर अंकल को बोलना कि सोनिया जिंदा है। सोनिया जिंदा है? डॉक्टर समीर बाद में देख कहाँ चले गए डॉक्टर साहब? पता नहीं। तुम क्या कर रही हो? अंदर चल के डॉक्टर तब तक खेले। क्या कर रही है? जानता था मैं। क्या जानते थे? पता है कितने पैसे छोड़ के आया हूं मैं, और तुम मरी भी नहीं बल्कि यहाँ पर बैठकर कॉफी पी रही हो। I'm sorry, मुझे जिंदा देखकर तुम्हें तकलीफ हो रही है ना? मुझे पता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, कि कल रात में तुम्हारे फैशन शो में नहीं आया। कैसे आता? अरे एक इमरजेंसी केस आ गया था मेरे पास, उस बेचारे के पैर में 17 हड्डियां टूटी थी, यू लंगड़ते आया मेरे पास रोते रोते। अब मैं उसे देखता या तुम्हारा फैशन शो जहाँ पे तुम यूज चल रही होगी? झूठ, तुम अपनी बीवी के साथ बाहर गए थे। मैं? अरे जिस औरत से मैं नफरत करता हूँ उसके साथ मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ? तुम ही सोचो। ये कौन है? ये खिड़की से अंदर क्यों आ रहा है? अरे कल थोड़ी थी, आज जोड़ने आया हूँ। समीर ये प्यारे है, मेरा नया पड़ोसी। अरे भाई तो फिर पड़ोसियों की तरह पड़ोस में रहे, पड़ोसियों के घर में क्यों घुस रहा है खिड़की से, वो भी नंगा? तो आप हो डॉक्टर अंकल हड्डियों वाले हैं? देख तेरी सोनिया जिंदा है, अगर मैं कल टाइम पे नहीं आता ना तो तेरी सोनिया। सच? स्मुच? वो तुम्हें बाद में करूंगा, लेकिन पहले आपको प्यारे जी थैंक यू तो कह दूं मैं। थैंक यू। इतनी बड़ी घोड़ी हो गई हो, कौन सी चक्की का आटा खाया है जो मेरे लिए अपनी जान देने निकली थी? अरे इस MTV और चैनल वी के जमाने में लड़कियां जान लेती हैं, देती नहीं है। अरे मैं समीर मल्होत्रा हड्डियों का डॉक्टर हूं, आई मीन ऑर्थोपेडिक सर्जन यार, और वो भी इतना अच्छा नहीं। भगवान थोड़ी ना हूं कि तुम्हें बचा सकूं। अरे बॉयफ्रेंड के साथ माइंड गेम्स खेला करो, माइंड गेम्स, मरने की एक्टिंग करो, लेकिन मरो मत, प्लीज मरो मत। समीर तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? मैं हूं ना, मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं करोगे। नहीं करूंगा, वही तो मैं कह रही हूँ कि तुम नहीं करोगे। नहीं करूंगा का मतलब है क्या? करूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। सच? अरे चल हट, झूठे मक्कार 420, मैं तेरी ये चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ये कौन है प्यारे? ये मुझसे कह रहा है? समीर काम डाउन, प्यारे एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, वो सिर्फ रिहर्सल कर रहा है। अच्छा, गुड रिहर्सल। लेकिन तुम मुझसे शादी कैसे करोगे? तुम्हारी तो बीवी है। साली को डिवोर्स दे दूंगा मैं। अरे मैं तुझे जान गया हूँ कमीने, तुझे मासूम लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलने का बहुत शौक है, हैं? दुष्ट, ये मुझे कह रहा है? It's nothing. Hey.
क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा? कौन? प्यारे। ये हमारे प्यार में साला प्यारे कहाँ से आ गया? लगता है वीकेंड बाहर ही मनाना पड़ेगा। कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। हे पोपट, क्या रे अगरबत्ती जला को धुआं धुआं कर दिया, सत्यानाश तेरा। सेठ जी, इस बदबूदार होटल में इस अगरबत्ती की वजह से खुशबू मिलती है, आपके अब्बा की आत्मा को शांति मिलती है और कोई बुरी आत्मा नहीं भटकती है। बुरी आत्मा कौन रे? कौन है? एक तरफ आप हैं, एक तरफ आपके अब्बा हैं। कितने अच्छे इंसान थे, इन्हीं की वजह से मैं टिका हुआ हूँ। हाँ, टिक गया, इनको ऊपर टिका दिया। मनु साढ़े सात नरकुंडी कहीं करे, आते मेरे बाबा को खा गया। मैं खा गया? मैं नरकुंडी? साढ़े सात ही? फोन उठा के तेरे को देखता हूँ मैं। नरकुंडी साढ़े सात? हेलो, हेलो अब्बा। यस सर, दुआ करो। दो मिनट सर, बेटे को जरा अकल आ जाए। ए पोपट, कमरा नंबर 609 में एक चिकन सैंडविच, एक वेजिटेबल सैंडविच और एक बाटली पानी। ले जाओ, ले जाओ। तू लेके जा रे, जा। किचन में मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? अरे अजीब गरीब आवाज आते हैं यार। एक तो बात, तुम्हारा किचन में मर गए थे, किचन में मैं क्यों जाऊँ? बाहर से मंगाओ ना यार, किचन में मारवा भेजता हूँ ना, करो इसका मतलब कहीं भेजो। ठीक है, अभी जाऊंगा, बार बार नहीं जाऊंगा मैं। हाँ, किचन में। कुछ कुछ करना पड़ेगा। नरकुंडी एडिसन। हाँ भाई। इधर। हाँ भाई। क्या भाई? इलेक्शन में खड़े रहने का है? नहीं। तो बैठ। क्या पी रहा है? बियर। बियर? हाँ। क्या करे भाई? गाड़ी है ना, ऑयल हाँ? से नहीं चलती, उसमें पेट्रोल भी डालना पड़ता है। क्या कर रहे भाई, ज्यादा हो जाएगा ये। स्कूल का प्रिंसिपल कौन? आप। चल घटक ले भाई, एकदम फास्ट हो जाएगा ये। अरे वही तो मैं चाहता हूँ कि तू फास्ट हो जाए, ढीले लोगों की तरह नहीं। ये देख आया ढीला, ये बर्थडे बॉय, ज्यादा फुदक मत। बर्थडे का मतलब जिंदगी का एक साल कम। चल कम हो जा भाई। पियो भाई, पेट्रोल गया भाई, अतड़ी जल गई भाई। अच्छा ये बता, क्या भाई, तेरे को लगता है यूसुफ भाई सही बोल रहे थे? नहीं भाई, नहीं नहीं, सही बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। आदमी को कंट्रोल में रहना चाहिए, कंट्रोल। इंसान को शेड्यूल हमेशा टाइट बनाना चाहिए, शेड्यूल टाइट होना चाहिए हमेशा। अभी एक बेटा आप मेरे बड़े भाई है। सुबह क्या बोले? सुबह बोले कि भाई देखो, आप लोगों को इज्जत देंगे तो लोग आपकी इज्जत लेंगे। इज्जत लेंगे बोला? मैंने फ्रॉक पहने रहे क्या? आप लोगों को इज्जत देंगे तो लोग आपको इज्जत देंगे। देखो भाई, आपका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम, आपका टेंशन मेरा टेंशन, आपका प्रॉब्लम एक मिनट में सॉल्व कर देगा मैं। भाई किसी की सुनता नहीं हूँ। हाँ इसे सुबह बोले भाई, मतलब अभी देखो इतना आपने पिला है, मैं कंट्रोल में है कि नहीं? है ना कंट्रोल में? सॉरी हैंगर, देखो कंट्रोल रखो। हाँ भाई, लेके जाइए इसको, कंधा दे। चले चलो, आप कंट्रोल कह रहे, इतना अंधेरे क्यों? अरे वो ए भाई देखो, ट्यूबलाइट बंद है, वो ये मीटिंग है बैंक का। यूसुफ भाई चेयर्स। हाँ, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अच्छा